नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को ट्रांसपोर्ट फीवर 2 इंडिया एडिशन में। जी जिनको पता नहीं है कि ये गेम कौन सा है जी, तो इस गेम में हमें अपना ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है उसे फैलाना होता है जी। तो आज हम खेलने वाले हैं इंडिया के मैप पे, और ये बहुत ही बढ़िया मैप है जिसे बनाया है मैप 1222 ने। तो आप लोग उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, आपको अगर ये मैप खेलना है तो आप भी खेल सकते हो। तो चलिए, तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। क्लाइमेट हाँ ट्रॉपिकल रखते हैं, व्हीकल सब चाहिए हमें, हाँ टाउन्स नेम फर्क नहीं पड़ता भाई, इन्वायरमेंट भी ट्रॉपिकल ही रख देते हैं, और डिफिकल्टी मीडियम पे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं जी। तो चलिए, तो आज का गेम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा मैप लोड हो चुका है, और मुझे पहले यहाँ पे मुल्तान और लाहौर दिख रहा है। भाई ये मैप क्या इंडिया के पार्टीशन के पहले का है क्या? अरे यार, तो चलो जी देखते हैं पहले तो कौन सा शहर बनाया है इन्होंने। मुझे लाहौर दिख रहा है, दिल्ली, लखनऊ, ग्वालियर, पटना, राजशाही, डिब्रूगढ़, कोलकाता, चित्तागोंग, मंडले, यनगोंग और रायपुर, विशाखापट्टनम, नागपुर, इंदौर, औरंगाबाद, मुंबई, राजकोट, जयपुर भी है जी यहाँ पे, और हैदराबाद, गोवा। और बीच पे चलते हैं भाई, मजे करते हैं। और ये बेंगलुरु, चेन्नई, मदुरई, कोची, नीचे कोलंबो भी है, श्रीलंका भी है। चलो यार राम से तो ही बना लेते हैं यहाँ पे। oh, hell no! मदुरई से सीधा कोलंबो तक का। अब बाद में देखेंगे भाई, गेम में अगर पैसा हम बनाने लगे तो फिर बनाएंगे भाई राम सेतु भी। कांधार और टरबाट, तो ये जगह है भाई, और हमें सबसे पहले देखना होता है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने गेम पॉज पे रखा है, सबसे पहले देखना होता है कि हमारे पास इंडस्ट्रीज क्या क्या है और सप्लाईज क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे पटना पे देख रहा है, पटना के पास ही मुझे देख रहा है, पटना को फूड चाहिए, और पटना का पॉपुलेशन है 237। तो हम इसे और बड़ा कर सकते हैं, पटना को और बड़ा कर सकते हैं हम। और सिटीज में देखते हैं तो सबसे ज्यादा रेसिडेंस कहाँ पे है। अच्छा, चेन्नई 236, दिल्ली, कोलकाता, पटना और मुंबई, हैदराबाद, मुंबई। अगर इन चार पांच में से हम किसी पे भी स्टार्ट करें तो भाई सही रहेगा, तो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं जी। तो हम मुझे पटना पहले ही दिख रहा है, पटना एक अपॉर्चुनिटी लग रहा है गेम स्टार्ट करने का सबसे फर्स्ट। और इधर देखते हैं और कुछ मिलता है क्या यहाँ पे, स्टील चाहिए या दिल्ली को गुड्स और ईंटें चाहिए भाई, दिल्ली को घर ही बनाना है। हाँ, वहाँ पे बिल्डर बहुत रहते हैं ना, जो सिर्फ स्काईस्केपर अपार्टमेंट बनाते रहते हैं भाई। तो हम देख रहे हैं, तो दिल्ली के लिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते जी, सॉरी दिल्ली। और यहाँ पे हम देख रहे हैं मुल्तान, हाँ मुल्तान को फ्यूल चाहिए, जहाँ पे हमें यहाँ पे फ्यूल रिफाइनरी पास में दिखाई दे रहा है भाई। और ये बैरल्स, एक यहाँ पे ऑयल वेल है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लाहौर ऑयल रिफाइनरी, तो हम इससे भी हम कुछ कर सकते हैं। तो मुल्तान भी एक अपॉर्चुनिटी है हमारे ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो लॉन्ग रन में काम आएगा, और उसी को हम कराची तक बाय ट्रेन ला सकते हैं जी। और यहाँ पे हमें और कहीं है क्या जिसे चाहिए, हाँ इसे स्टोन, और इस दोनों को मिला के हम यहाँ से ईंटें बना के जयपुर डिलीवर कर सकते हैं वाया रोड या फिर वाया ट्रेन। अभी प्लेन का ऑप्शन खुला नहीं है, अभी हम जनवरी 1850 में भाई, ट्रेन शायद प्लेन आएगा तकरीबन आपके 1900s में ही आएगा भाई प्लेन, तब तक तो प्लेन था भी नहीं, राइट ब्रदर्स ने 1904 में ही बनाया था भाई प्लेन भी। तो
अब देखते हैं भाई हम आगे क्या कर सकते हैं और कहां से स्टार्ट कर सकते हैं जी। तो हमारे पास अभी स्टार्ट करने के लिए तकरीबन $1 crore है, 10 million, विच इज ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पटना, और ये पटना के पास शायद गंगा नदी होगा भाई जो बनाया है। ऊपर उत्तराखंड तो दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को, और इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी गायब है भाई, और मैं जहाँ से हूँ वो स्टेट ही गायब है। मैं सिक्किम से हूँ जो यहाँ ऊपर होना चाहिए। चलो यार कोई नहीं, बहुत ही बढ़िया मैप है, देखो इंडिया को डिट्टो रिप्रेजेंट कर रखा है। तो हम इसी में कुछ करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे ऑयल वेल, हाँ यहाँ पे मैं ऑयल रिफाइनरी और ऑयल वेल, और मैं इसको डिलीवर कर सकता हूँ कोलंबो, वो भी नाव से। अगर हम ये बैरल और ये बैरल को यहाँ पहुँचा के यहाँ से हम सीधा रूट यहाँ लेकर आए, तो यहाँ पे हम रोड से भी कोलंबो पे फ्यूल डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा तो मुझे टिप्स देना बंद कर यार, गेम यार कितना टिप्स देते हो। तो चलिए जी, तो पहला रूट हम सेट करते हैं पटना के लिए। हाँ ये सही रहेगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे भी है फार्म, और एक फार्म यहाँ पे है, और हमें पता है कि ये 2:1 का रेशियो से काम करता है, दो क्रॉप लेगा और एक फूड बनाएगा। तो मुझे पहले तो इसी से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इस पे ही देखते हैं। तो इस पे हम स्टार्ट करके देखते हैं जी तो क्या होता है। और ये हमारा सबसे पहला बिल्डिंग, और ये रहा ट्रक स्टेशन, और ये सिर्फ पिकअप करेगा, तो मुझे सिर्फ एक साइड का प्लेटफॉर्म चाहिए यार। तो हम इसे शिफ्ट दबा के एम और एन से हम इसे रोटेट कर सकते हैं, जिससे हम प्रिसाइज रोटेट भी कर सकते हैं जी। तो देखते हैं, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा तो यहाँ पे रोड ही कनेक्टेड नहीं है यार, अरे भाई रोड को तो कनेक्ट कर देते। हाँ ये हो गया रोड कनेक्टेड, और अब बिल्डिंग्स में चलते हैं और ट्रक का स्टेशन लगा देते हैं, ट्रक स्टॉप। तो ये बन गया हमारा, इससे कनेक्टेड है तो नहीं 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 इस साइड ही करते हैं यार, थोड़ा सही दिखेगा। प्लेटफॉर्म ऑन लेफ्ट साइड, और हमें यहाँ पे इस फूड के लिए हमें दो चाहिए। तो हम फूड को देखते हैं नीचे, पटना कितना दूर है यहाँ से। अच्छा पटना तो मैं नीचे के रोड से ला सकता हूँ, तो इसके लिए हमें दोनों तरफ चाहिए, एक तरफ ड्रॉप ऑफ होगा और एक तरफ पिकअप होगा। तो ये थोड़ा नीचे करेंगे तभी भी सही रहेगा, हाँ यहाँ पे करते हैं। और पटना को एक गंगा के ऊपर एक पुल बना के इसे कनेक्ट करते हैं जी। तो हम ये यहाँ से ऐसे सीधा पुल लाएंगे, चलिए। चलिए मुझे इस पे नाव दौड़ाना नहीं है बाद में, तो ये वाला सही रहेगा यार। तो हम देखेंगे कि हम इसे क्या कर सकते हैं। तो ये वाला पुल सही रहेगा जो गंगा के ठीक ऊपर से जाता है, और बहुत ही रोमांचक व्यू है भाई, बहुत ही रोमांचक। और हमें ट्रैम टैक नहीं चाहिए, नो 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 नो, और ये बिल्ड कर देते हैं, और इसे हम थोड़ा सा कर्व रोड लगा के कनेक्ट कर देते हैं पटना से। ये रहा, ये कनेक्टेड हो गया पटना से, और इसे हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इसके साथ। तो ये हमारा पहला पटना वाला रूट कनेक्ट हो गया। अब हमें ये ट्रक अनलोड स्टॉप चाहिए जो हमें इस फूड वाले एरिया में डिलीवर करना है। तो मैं अगर यहाँ पे ट्रक स्टॉप रख दूँ तो ये फिर फास्ट डिलीवर भी करेगा, और शायद सारी जगह पे ये डिलीवरी भी देगा। देख रहा हूँ कहाँ पे सही रहेगा, हाँ यहाँ पे सही रहेगा। तो चलिए, तो पटना में एक हमने लगा दिया ट्रक स्टॉप, और अभी तक मेरा गेम पॉज पे ही है, क्योंकि मैंने पॉज पे इसलिए रखा है ताकि मेरा पैसा खर्च ना हो, बेकार में पैसा चला जाता है भाई।
अपकीप में, और मुझे लोन भी देना है भाई, मुझे $10 million का लोन भी पे करना है, मतलब कि $1 crore का लोन जो मैंने लिया है बैंक से उसे भी पे करना है। तो प्रॉफिटेबल हो यही सही रहेगा। और मैं फूड, अगर मैं चाहूँ तो ये फूड मैं राजशाही को भी डिलीवर कर सकता हूँ। अगर मेरा फूड प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो बाद में मैं ट्रेन लाइन चला के मैं राजशाही को फूड डिलीवर कर सकता हूँ। और पटना पे हम बस ही रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट रूट हो जाएगा ट्रेन के लिए। तो ट्रेन हमारा क्या कर सकता है कि यहाँ से सीधा यहाँ डिलीवर करेगा और वापस आते वक्त यहाँ पे फूड छोड़ेगा और फिर वापस आएगा यहाँ पे लेने के लिए। ये हमारा बात का प्लान है। अभी देखते हैं, अभी रोड कार्गो से अगर कुछ होता है तो करते हैं, तो राजशाही के लिए अभी नहीं। अभी ये राजशाही थोड़ा छोटा है, 52 रेसिडेंट है, तो इस पर मुझे इतना ज़्यादा फायदे नहीं दिख रहे हैं। पर सिटी बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे करके, तो पटना सबसे पहले हमारा बढ़ेगा, मतलब कि पटना पे हमारा फोकस है अभी बढ़ाने का। और बाकी भी देख सकते हैं, जैसे कोलकाता, इस पे भी हम फूड डिलीवर कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे नज़दीक पे कहीं दिखाई ना, और ये चित्तागोंग बर्मा में भी चाहिए यार फूड, मंडले पे भी फूड चाहिए, तो हम इन पे कुछ सोच सकते हैं। क्योंकि मंडले थोड़ा अलग है, तो इस पे मैं ब्रिक ये वाला दे सकता हूँ। अगर यहाँ शोर लाइन में कहीं पे मुझे स्टोन क्वेरी मिले तो यहाँ पे एक है, और ये नाव नहीं जा सकता यहाँ से जी। और इस पे मुझे चलाने के लिए बहुत ही लंबा होगा ये बस, और ट्रेन चला सकता हूँ वो बात की है, मतलब अभी मुझे इतना लॉन्ग रन में फ़ायदा नहीं रहेगा अभी स्टार्ट में, तो मैं अभी इसी पे फोकस कर लेता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लूँ। तो हमारा सबसे पहला रहेगा लाइन सेटअप करना। तो ये हमारा एक यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा इसका नाम होगा रोड कार्गो राजशाही फार्म टू पटना फूड। ओके, ये हमारा एक हो गया। और फिर दूसरा लाइन सेटअप करते हैं जो हमारा यहाँ से पटना में आएगा, तो ये भी होगा रोड कार्गो पटना फूड टू सिटी। हाँ ये सही रहेगा। तो हम इन दोनों लाइन का कलर एक ही रखते हैं जी, जो मुझे बाद में आसानी हो जाएगा समझने में भी कौन सा लाइन क्या है। तो ये फूड वाला लाइन है, तो इस पे मैंने ये दो डाल दिया है। अब मैं डालूँगा इस पे, हमारे लिए चाहिए रोड डेपो, ट्रक तो कहीं से आना चाहिए ना, तो इसे डालते हैं हम पटना के पास। तो चलिए जी पटना के पास डालते हैं, पटना ऐसे भी बड़ा शहर है, तो ये डाल दिया मैंने। तो मुझे चाहिए इसमें तकरीबन 15 vehicle जो एशियन हॉर्स रन। ओके, ऑल कार्गो 4 लेता है, बाकी सबका स्पीड बराबर है, यूरोपियन अमेरिकन, ये तो पैसेंजर वाला हो गए, तो हमें कार्गो के लिए चाहिए। तो कार्गो के लिए एशियन, हम एशियन है तो एशियन कंट्री है तो एशियन ही यूज करते हैं अभी के लिए, बाद में देखते कोई बढ़िया सा चीज़ आए तो ले लेते यूरोप से भी। और ये मुझे चाहिए 15, अभी के लिए 15 बाइक कर रहा हूँ, जिसपे 1 2 3 4 5 6, अरे पहले तो ये कर लूँ, सबको कलर रेड कर दूँ, उसके बाद एक 10 vehicle। तो इन 10 को मैं डाल देता हूँ फार्म से यहाँ तक के लाइन, और 5 को मैं डाल देता हूँ पटना सिटी के लाइन पे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो पहला लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे ये निकलने के लिए भी तैयार है। चलिए देखते हैं कैसा है।
बढ़िया है भाई, बड़ी वाली हैट लगा के लेके आना सामान पटना पे। चलो जी, तो ये अपना काम करेंगे, अब ये निकल चुके हैं, तब पहले फिर से पॉज में डाल देता हूँ। तो अभी देखते हैं, अभी मैंने देखा था शायद मुल्तान पे हम कुछ कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे फ्यूल का मैंने लाइन देखा था ना, और नीचे भी देख लेते हैं एक बार, मुंबई पे भी फ्यूल चाहिए। तो हम कराची से मुंबई ना उसे कर सकते हैं जी इसको, और गोवा पे भी हम ना उसे, मुंबई से गोवा, अगर मुंबई तक हम फ्यूल ला पाए तो गोवा तक भी फ्यूल ला पाएंगे यार। और कोची पे भी ला सकते हैं क्योंकि इन सबको चाहिए फ्यूल्स। समुंदर देखते हैं पहले तो भाई, वाह क्या बढ़िया बनाया है भाई। तो चलिए देखते हैं, कोची मदुरई को फूड चाहिए, मदुरई के लिए फूड सप्लाई मैं कहीं से कर सकता हूँ? नहीं जी, हाँ यहाँ से कर सकता हूँ मैं, और इसके लिए मैं यहाँ से यहाँ तक का नाव दोहरा सकता हूँ जी, और मुझे यहाँ से यहाँ तक के लिए राम सेतु बनाने में कितना पैसा लगेगा? कोलंबो को फूड चाहिए? नहीं चाहिए। तो मैं अगर राम सेतु बनाना चाहूँ यहाँ से यहाँ तक का, तो कितने पैसे में बनेगा पहले ये देख लो। तो स्ट्रीट्स कंट्री रोड अभी छोटा वाला, तो मुझे चाहिए यहाँ से सीधा यहाँ तक का तकरीबन 10 लाख। अरे यार 11 लाख चाहिए भाई एक पुल ही बनाने में, राम सेतु बनाने में। और मुझे इस वाले पुल का हाइट थोड़ा ऊपर चाहिए, तो मैं इसे बड़ा हो गया। अरे यार 85 लाख। अरे यार अभी छोड़ो यार, इसे नहीं करना है अभी। मैं इस पे मैं हाँ डॉक बना सकता हूँ जी, डॉक मतलब कि मैं नाव से कर सकता हूँ यहाँ पे। एक रोड बनाना पड़ेगा जो यहाँ से यहाँ तक आए और यहाँ डॉक पे छोड़ के यहाँ मदुरई तक लेके जाए, मतलब कि श्रीलंका को अभी हम नाव से ही कनेक्ट करेंगे जी। और ये चेन्नई के पास है, दो फार्म है, तो इस दो फार्म से अगर मैं यहाँ से भी सामान उठाऊं और यहाँ डिलीवर करूं, यहाँ से भी यहाँ डिलीवर करूं, तो फूड सही रहेगा। फिर एक चेन्नई पे भी डिलीवर कर सकते हैं फूड यहाँ से। हाँ नाव से कर सकते हैं जी, नाव से कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे दूसरा भी दिख रहा है, हाँ ये भी दिख रहा है मुझे, फ्यूल का भी कर सकते हैं जो कोलंबो पर। ये मुझे थोड़ा बाद में करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ आओ यहाँ से फिर ऐसे घूम के यहाँ पे डिलीवर करेगा ये नाव, इतना घूमेगा। और ऊपर एक तो बांग्लादेश से है फ्यूल लेके बैरल लेके यहाँ आना पड़ेगा, और एक को यहाँ विशाखापट्टनम से फ्यूल लेके यहाँ जाना पड़ेगा। ये कहाँ का, ये कोलकाता रिफाइनरी जाना पड़ेगा, फिर ये फ्यूल आएगा सीधा कोलंबो पे, और कोलंबो फ्यूल रिफाइनरी उसे फ्यूल बनाएगा और फिर कोलंबो जाएगा। यह लंबा रूट हो जाएगा, तो मैं इसका सेटअप कर सकता हूँ। पहले तो नाउ शिप, ओके कार्गो हार्बर, हाँ ये मैं यहाँ सेटअप कर सकता हूँ जो सीधा उससे कनेक्ट हो सकता है। तो चलिए ये वाला करते हैं अभी, हाँ इसको भी कनेक्ट करवाना है, ये भी कनेक्ट हो जाएगा, और इसे कनेक्ट करवाना है। नहीं जी तो देखते हैं, इस साइड हम रखेंगे तो ये भी कोली ना,
जो मदुरई और कोलंबो, कोलंबो को शायद फूड नहीं चाहिए, तो मदुरई पे मैं सप्लाई कर सकता हूँ। और ये सही रहेगा, तो मैं रोड बना लेता हूँ यहाँ पे। एक मिनट, बुलडोज, इस वाले पार्ट को बुलडोज करो। अब देखते हैं ये कनेक्टेड, हाँ ये कनेक्टेड है भाई। और मदुरई पे फूड कहाँ चाहिए जी, फूड आपको कहाँ पे चाहिए मदुरई? मदुरई पे फूड चाहिए, तो मदुरई पे हम कहाँ पे डॉक लगाएंगे? ये पानी में नहीं दे रहा यार। ओके, तो मैं यहाँ पे डाल पा रहा हूँ। ये रूट तो छोटा है पर फिर भी काम करेगा भाई, करेगा। हम मदुरई पे हम ये स्मॉल स्ट्रीट ही करते हैं। चलिए जी, तो ये हमारा डॉक पे आएगा। और मदुरई पे फूड कहाँ पे चाहिए पहले वो देख लिया था, तो इसी साइट पे चाहिए। तो ये डॉक कितना कवर करता है, डॉक कितना कवर करता है जी, ये तो दिखा दो मेरे को। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे एक ट्रक का लाइन तो बनाना ही पड़ेगा, तो ये कवर नहीं करता है अभी पता चला। तो हमारे एंड पे, हाँ दोनों तरफ प्लेटफॉर्म, हाँ सही रहेगा। बाद में अगर ये मशीन भी मुझे मिल जाए तो मैं ला सकता हूँ, तो मुझे इसे कवर करवाना है। यहाँ पे रख देते हैं इन द बीच में, जो तकरीबन सब जगह कवर कर लेगा। और हाँ, तो ये हमारा हो गया एक लाइन। अब हमें यहाँ पे एक दो नहीं, हम एक काम कर सकते हैं, ये जो छोटा वाला नाव है, ये छोटा वाला नाव सीधा यहाँ आके यहाँ से कुछ सामान यहाँ डिलीवर करके वापस जा सकता है, तो हम ये कर सकते हैं यहाँ पे, तो यही करेंगे। और हमें एक चाहिए, जो हम रखेंगे हाँ इस साइड रखेंगे यार कोलंबो के। यहाँ पे रखेंगे जो सही रहेगा, थोड़ा दूर शहर से। मुझे थोड़ा ऊपर रखना चाहिए था शायद। चलिए, तो इसे बाद में करते हैं, अभी पैसा ऐसे वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए, तो लाइन सेटअप करते हैं। सबसे पहले एक यहाँ से आके यहाँ जाएगा और ये होगा हमारा, ये मदुरई पोर्ट नहीं है भाई, कोलंबो पोर्ट है। सी कार्गो, चेन्नई फार्म से जाएगा हमारा मदुरई फोर्ट तक। ओके, फिर
फिर एक और लाइन बनाते हैं जो आएगा हमारा यहाँ से यहाँ फिर यहाँ और फिर सीधा ऊपर जाएगा। हाँ ठीक है, और ये होगा हमारा सी कार्गो चेन्नई। चेन्नई फार्म नंबर दो, फार्म टू से मदुरई फूड टू सिटी। और ये हमारा यहाँ से यहाँ जाएगा मदुरई, और ये हमारा होगा रोड कार्गो मदुरई पोर्ट टू सिटी। इसे चेंज करना पड़ेगा मुझे, इस पे सिटी नहीं मदुरई पोर्ट होगा ये। ओके, तो ये हमारा लाइन सेटअप हो गया है और हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, जैसे कि फार्म टू पटना में यरासाई फार्म पे फुल लोड करेगा और इसका टाइम हम अनलिमिटेड रख देते हैं, और ये पटना फुट टू सिटी में पटना यहाँ पे ये फुल लोड करेगा और वो भी अनलिमिटेड, और सी कार्गो मदुरई फार्म एक से या मदुरई फार्म एक पे ये फुल लोड करेगा और इसका टाइम रहेगा अनलिमिटेड, और ये वाले पे यहाँ पे फुल लोड, यहाँ पे फुल लोड अनलोड, और मदुरई पे सिर्फ अनलोड करेगा। तो इस पे हम लोड हटा देते, अनलोड करेगा जो कुछ भी हो तुम्हारे पास और इसका टाइम रहेगा अनलिमिटेड। तो हम अब इनको भी एक कलर देते हैं, जैसे ग्रीन ग्रीन येलो रख लेते हैं अभी के लिए, और ये भी येलो। तो ये तीनों के तीनों एक ही रूट से जुड़े हुए, मुझे इस पे ये समझने में आसानी हो जाएगा, और मुझे यहाँ पे बाय व्हीकल अभी मुझे चाहिए कार्गो के लिए। अच्छा तीनों में है, हाँ ये फ्यूल वाला है तो मुझे फ्यूल वाला नहीं चाहिए ये। हाँ 22 25 रीगी विल हैव वन, कौन सा लो 22 25, सस्ता तो ये पड़ रहा है, और मुझे चाहिए एक दो तीन चाहिए, दो चाहिए या तीन चाहिए, यहाँ से एक यहाँ आएगा, एक चाहिए दो चाहिए आपके लिए, मुझे दो चाहिए तो यही वाला ले लेता हूँ, ये थोड़ा स्पीड भी है और पावर पावर इसका ज़्यादा है, इस पर 70 कंपार्टमेंट, और ये पैसेंजर भी ले जा सकता है। ओके कोई नहीं, क्या करूँ, पावर इसका ज़्यादा है और एमिशन इसका कम है, वेट इसका ज़्यादा है, हाँ यही ले लेते हैं। तो ये हमने ले लिया, पहला जाएगा इस पर, और अरे यार इसको कलर भी तो कर दूँ, और ये जाएगा हमारा इस पर, एक बार फिर से श्योर हो जाऊँ यार। और मुझे एक चाहिए बस डिपो, जो हमारा रहेगा शहर से थोड़ा सा बाहर, और चेन्नई पे मैं फूड सप्लाई कर सकता हूँ, चेन्नई में फूड सप्लाई कर सकता हूँ जी, तो एक और नाव लू या फिर मैं इसी को मेंटेन करूं, मतलब कि ये, पर मुझे चेन्नई में भी डॉक बनाना पड़ेगा जो एक यहाँ से फूड उठा के यहाँ ड्रॉप करेगा,
अगर ऐसा बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, तो इसी को भी मैं काम में ला सकता हूँ, जहाँ से मैं बस से चेन्नई पे मैं फूड डिलीवर कर सकता हूँ। तो इस पे सोचते क्या करे, इन्वेस्ट करे या ना करे, तो चलिए करते हैं यार, एक और बनाते हैं चेन्नई में डक। यहाँ पे रखा, मुझे उस साइड चाहिए, तो चलिए एक डॉक यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे एक ट्रक का अनलोड स्टेशन भी रख देते हैं। हाँ, पहले स्ट्रीट्स बना लो जो यहाँ पे सीधा कनेक्ट होगा, और फिर बिल्डिंग्स में जाके ट्रक का एक लोड अनलोड दोनों रख लेते हैं। और फिर यहाँ पे मुझे चेन्नई में एक ट्रक स्टॉप चाहिए जो फूड डिलीवर करे इन जगहों पे। ये तकरीबन सब कुछ कवर कर रहा है जी, तो मैं यहाँ पे रख दूँ तो, हाँ ये सब कुछ कवर कर रहा है तो अभी के लिए यहाँ रख देते हैं। तो इस पे भी हम एक लाइन बना लेते हैं, अरे यार इस पे नहीं, न्यू लाइन करते हैं। न्यू, अच्छा ऑटो सेविंग में, यार सोच रहा था भाई न्यू लाइन बन क्यों नहीं रहा है। हाँ तो ये दो लाइन बन गए भाई, इस पे हम एड स्टेशन यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा हमारा लाइन का नाम रोड कार्गो चेन्नई पोर्ट टू फूड सिटी। ओके, तो हम एक बस डिपो बनाते हैं यहाँ बीच में, थोड़ा बाहर से आएगा बस, तो हम यहाँ पे, हाँ सही है। और ये हमारा हो गया, अच्छा तो लाइन मैनेज में जाते हैं, चेन्नई पोर्ट टू फूड सिटी, इसका भी कलर चेंज करके येलो बना देते हैं। ओके, तो अब हमें चाहिए इस पे 5 बस दौड़ाएंगे, इस पे 5, तो तकरीबन 10 चाहिए, और हमें बाई करना है, और ये एशियन कार्गो जो हमें चाहिए 10 बाई। इन सब को कलर कर देते हैं येलो, और इस पे हम आधा चूज करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अच्छा 5 ही तो चाहिए, मैंने 10 ही तो खरीदा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। तो इनको मैं डाल देता हूँ मदुरई पोर्ट टू सिटी लाइन पे, और इनको डाल देता हूँ चेन्नई पोर्ट टू फूड सिटी लाइन पे। तो ये हमारा बन गया, और मुझे एक और लाइन बनाना पड़ेगा जो होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक का, अच्छा, और इस लाइन का नाम होगा सी कार्गो जो मदुरई फूड से चेन्नई पीओआरटी पोर्ट तक जाएगा, और इसका भी कलर होगा येलो। और मुझे एक और यहाँ पे बाय यही वाला एक, इसका कलर हो जाएगा येलो, और ये जाएगा हमारा मदुरई फूड टू चेन्नई पोर्ट। तो ये हमारा एक लाइन सेटअप हो गया जी, हो गया। और यहाँ ऊपर देखते हैं, अभी मेरे पास तकरीबन 60 लाख बचे, तो इससे हम कुछ करने की कोशिश करते हैं और जगह देखते हैं। इस पे मुझे ट्रेन लाइन दौड़ाना सही लग रहा है, ये वाला को यहाँ पहुंचाना है जो बाद में कर सकते हैं। अभी यहाँ से एक ट्रेन लाइन यहाँ, फिर यहाँ से मुल्तान होते हुए यहाँ, जो वापस जाते वक्त मुल्तान पे फ्यूल छोड़ेगा,
और शायद फ्यूल और किसी को चाहिए फ्यूल। एक लाहौर के यहाँ पे भी वेल है, तो इसका भी मैं फ्यूल यहाँ पे ला सकता हूँ, जिसके लिए मुझे एक ट्रेन दौड़ेगा जो यहाँ से यहाँ ड्रॉप करेगा, फिर ये लेके यहीं से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। मतलब दो ट्रेन चाहिए मुझे और मैं एक लाइन बना सकता हूँ। तो इस पे भी हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं यार, करते हैं जी, करते हैं। तो अभी हम एक ट्रेन लाइन बनाएंगे जो जाएगा लाहौर ऑयल वेल्स से लाहौर ऑयल रिफाइनरी, फिर वहाँ से मुल्तान फ्यूल रिफाइनरी, फिर वहाँ से वापस आते वक्त मुल्तान पे फ्यूल छोड़ेगा और फिर वापस यहाँ आएगा लाहौर ऑयल वेल, और फिर यहाँ से उठाएगा, यहाँ छोड़ेगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ छोड़ेगा, फिर यहाँ। और ये वाला ट्रेन सीधा आएगा, यहाँ छोड़ेगा, मतलब कि एक ट्रेन दौड़ेगा यहाँ से। मतलब मुझे दो प्लेटफॉर्म वाले तो चाहिए ही चाहिए। तो चलिए ट्रेन पे अभी हम काम शुरू कर देते हैं। इतने अर्ली ट्रेन पे काम करना सही तो नहीं है, फिर भी 160 मीटर का चाहिए, एक ट्रैक्स दो चाहिए मुझे। पैरेलल रखते हैं थोड़ा इनसे। ये सही है। हम इस पे तो बस भी दौड़ा सकते हैं, इस पे इसके लिए तो मुझे नहीं चाहिए, पर हाँ इस पे हम बस दौड़ा सकते हैं। यहाँ से यहाँ के लिए ट्रेन चाहिए, बस नहीं ट्रक, सॉरी आप, ट्रक दौड़ा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए, क्या वो करना। बाद में यहाँ से हम यहाँ ट्रेन लाइन डायरेक्ट ला सकते हैं, या फिर इसको भी कनेक्ट करवा सकते हैं फ्यूचर में। अभी के लिए तो चलिए इस पे काम करते हैं। हाँ तो ये एक यहाँ हो गया, ऑयल रिफाइनरी में। हाँ पर यहाँ से मैं यहाँ तक तो एक लाइन भी दौड़ा सकता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ इतना दूर नहीं है मुल्तान, और मुल्तान पे सप्लाई करना आसान हो जाएगा मुझे बस ट्रक से भी। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ तो हमारा कहाँ पे है, वहाँ पे है, तो ये कनेक्टेड है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये जाएगा, और ये एक ट्रेन आएगा हमारा यहाँ से। देखते हैं कहाँ पे है रिफाइनरी, तो वहाँ पे रिफाइनरी है, तो मैं फिर इसको थोड़ा मिला के यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। ये सही रहेगा। और मुझे अब ट्रैक्स बिछाना है, ट्रैक्स तो हमारा मुल्तान पे हम बस ही करेंगे, मुल्तान पे हम ट्रेन से अनलोड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बस अभी तो ट्रक करेंगे। तो हमारा एक ट्रैक्स बनेगा यहाँ से, ये रहा। और ये ट्रैक बन गया हमारा सीधा। और
और हमारा एक ट्रैक बनेगा जो यहाँ से जाएगा। ये थोड़ा सा बाहर जाएगा, और ये घूमेगा यहाँ से, अब मुझे इस ट्रैक पे जुड़वाना है इसे। ये बहुत ही मुश्किल है यार ट्रैक्स को जुड़वाना, तो मुझे यहां से ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो घूम रहा है बहुत ही ज्यादा और मुझे ऐसा नहीं चाहिए यार। थोड़ा शॉर्टकट देखते हैं जो अरे यार अभी ऑटो सेव होना था यार। और ये दूसरा ट्रैक हमारा यहाँ से निकलेगा जो इसी लाइन पे यहाँ तक जाएगा। ओके, और ये ट्रैक जाके यहाँ कनेक्टेड और ये दूसरा वाला ट्रैक जाके यहाँ पे कनेक्टेड। ओके, तो ये हमारा एक ट्रैक रेडी हो गया है और इस पे हमें सिग्नल चाहिए। ये उस साइड जाएगा, तो इस साइड आने के लिए तुम यहाँ रुक सकते हो और तुम जो आ रहे हो तुम यहाँ रुक सकते हो, और ये निकलने वाला ट्रेन यहाँ रुक सकता है। थोड़ा डिस्टेंस में देते हैं सिग्नल, क्योंकि ट्रेन्स को लगातार मूव करते रहना पड़ेगा, फिर बाद में ये बताएगा कि मेरा पॉइंट कहाँ है, मैं कहाँ से जाऊं, और इनको हमें बताना पड़ेगा ये सिग्नल्स देके। यार थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में सिग्नल देते हैं और यहाँ पे हमें एक क्रॉस सेक्शन चाहिए जो सही है। अभी ये सही है जी। अब ट्रेन पे भी मेरा दो ट्रेन पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है जी। अब इस लाइन पे भी मुझे चाहिए सिग्नल्स, तो पहले क्रॉस सेक्शन बना लूं जो प्लेटफॉर्म के ठीक बाहर से स्टार्ट होता है। और सिग्नल्स दे दो,
तुम यहाँ रुक सकते हो और मैं सिग्नल नहीं दे सकता शायद इस पे। और यहाँ पे मैंने सिग्नल दे रखा है आने जाने के लिए। तो ये हो गया हमारा रेडी। बाद में मैं इस पे दो ट्रेन भी दौड़ा सकता हूँ अगर प्रॉफिटेबल लाइन रहा तो। अब मुझे चाहिए यहाँ पे एक बस अनलोड स्टेशन, सिर्फ अनलोड करना है, तो मैं लोड नहीं करना है। तो ये कनेक्टेड है और एक यहाँ पे चाहिए जो सिर्फ लोड करेगा। तो ये वाला लोड करेगा या अनलोड करेगा। अब मुझे यहाँ पे ट्रैक लाइन बनाना है और इस वाले को बाद में कनेक्ट करते हैं। ये दो तीन कनेक्ट हो गए तो ये फ्यूल बनाएगा और इसका रेशियो क्या है, 1:1 है तो ये सही रहेगा। तो अभी यहाँ पे रोड का थोड़ा सा देखते हैं, इसे डिस्कनेक्ट करते हैं और हमारा एक कंट्री रोड यहाँ से यहाँ तक ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अभी हम यहाँ पे भी बस डिपो डालेंगे तो ये रहा जो सिर्फ लोड करेगा। देखते हैं ये कहाँ तक कनेक्ट होता है। यहाँ पे भी कनेक्टेड है, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैंने डिपो डाला तो हाँ यही सही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने डिपो लगा दिया, डिपो नहीं जी ट्रक स्टेशन लगा दिया। अब मुझे चाहिए एक ट्रक स्टॉप जो यहाँ पे फ्यूल डिलीवर करे। अभी के लिए इतने में सही है। तो हमारा ये लाहौर और मुल्तान का जो फ्यूल है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये है लाहौर ऑयल वेल, ये वो लाहौर ऑयल रिफाइनरी, लाहौर ऑयल वेल। तो सबसे पहले हम लाइन सेटअप करते हैं। तो ये हमारा हो गया। तो इसका नाम होगा ट्रेन कार्गो लाहौर ऑयल वन से लाहौर रिफाइनरी। और दूसरा होगा हमारा लाहौर से मुल्तान, ये भी ट्रेन कार्गो लाहौर रिफाइनरी से हमारा जाएगा मुल्तान फ्यूल पे जाएगा। और एक लाइन होगा जो मुल्तान फ्यूल से मुल्तान सिटी को सपोर्ट करेगा, वो होगा रोड कार्गो मुल्तान फ्यूल से मुल्तान सिटी। और दूसरा हमारा यहाँ पे ये होगा हमारा रोड कार्गो
मुल्तान नहीं लाहौर ऑयल वेल टू, दो नंबर से हमारा जाएगा लाहौर, लाहौर रिफाइनरी। तो ये हमारा लाइन कम, अब इसको भी एक कलर देते हैं, तो इसका कलर हम ग्रीन रख लेते हैं, ये वाला ग्रीन। तो हमारा ये मुल्तान फ्यूल वाला भी ग्रीन रहेगा, लाहौर ऑयल वेल वाला भी ग्रीन रहेगा। तो ये सब हो गया, अब मुझे चाहिए एक ट्रेन डिपो यहीं कहीं पे। अभी के लिए मैं यहाँ कनेक्ट भी कर सकता, बाद में मैं वो भी कर सकता हूँ, बाद में मैं बना भी सकता हूँ। डेजर्ट में इस वाले पोर्शन में बनाऊं या ना बनाऊं, इसी बात यहीं बनाते हैं। तो हमारा पहले बनेगा ट्रेन का ट्रैक, और आगे हमारा एक डिपो रहेगा। तो हम ये डिपो यहाँ पे रख देंगे और इसको हम कनेक्ट करेंगे ट्रैक से। और चलिए, तो ये हमारा बन गया है। डिपो पे निकलने और अंदर जाने का रास्ता, तो हम इसे यहाँ पे रोक देंगे और इसे यहाँ पे रोक देंगे। अगर बाद में ट्रेन ऐड करना पड़ा तो ये सही रहेगा जी। तो एक मिनट, एक और सिग्नल मुझे यहाँ पे चाहिए, जो मैं देख रहा हूँ ये हो नहीं पाए, यहाँ पे रख देते हैं। अब लाइंस देखते हैं कैसे जा रहा है। हाँ, अभी तो एक ही लाइन यूज करेगा, बाद में ये जाके दो लाइन, ये वाला भी एक ही लाइन यूज कर रहा है जाने आने के लिए अभी तो। हाँ, पिकअप ड्रॉप ऑफ वही तो है, और इस पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि आप एक लाइन यूज कर रहे हो या दो लाइन। और यहाँ पे दो लाइन यूज हो रहे हैं, हाँ ये सही है, ताकि बीच में किसी को भी कोई तकलीफ भी नहीं होगी। तो सही है, अब एक रोड डिपो भी ले लेते हैं और इसे हम लाहौर सिटी के पास रख देते हैं यहाँ पे, और ये हमारा रोड डिपो भी हो गया। अब मेरे पास पैसा इतना है कि नहीं है, मुझे जो ट्रेन चाहिए जो चले। ओके, तो और यहाँ, हाँ तो चलिए इसी से यहाँ पे भी दे देते हैं, ताकि ये बनने में भी टाइम लगेगा। तो इस पे हम खरीद लेते हैं 10 व्हीकल जो फ्यूल कैरी करे। ओके, 10, और 1, 2, 3, 4, 5 को हम रख देते हैं। पहले इन सबको कलर कर देते हैं ग्रीन में। ओके, एक
1, 2, 3, 4, 5 और इन 5 को हम लगा देंगे लाहौर ऑयल वेल से ऑयल रिफाइनरी। हाँ ये सही रहेगा। और इन 5 को लगा देंगे मुल्तान फ्यूल टू मुल्तान सिटी पे। ओके अब मुझे चाहिए 2 ट्रेन। अब यहाँ पे जाएंगे ट्रेन देखते हैं। इसका स्पीड 45, 40, 40। पावर इसका ज़्यादा है और कार्गो में हमें चाहिए फ्यूल वाला। इस पे 7 जाएगा। 3, 4, 5 अगर इसको और मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूँ तो 12 का हो जाएगा। 2 का पड़ेगा मुझे। एक और करूंगा तो हाँ मैं बेयरली इसे खरीद पाऊंगा। फिर मेरे पास चांसेस रहेंगे कि मुझे मिले ना मिले पैसे वापस। फिर भी ये करके देखते हैं जी। और मुझे 2 चाहिए भाई। और दोनों का कलर रहेगा ग्रीन। हाँ और ये हमारा पहला ट्रेन जाएगा लाहौर ऑयल वेल 1 से लाहौर रिफाइनरी। दूसरा ट्रेन जाएगा राहुल रिफाइनरी से मुल्तान फ्यूल। ओके अब हम पहले डेट को हम 1/4 पे कर लेते हैं। ये इन्होंने बढ़िया फीचर है। पहले ट्रांसपोर्ट फीवर 1 में हमें मॉड यूज करना पड़ता था पर अभी नहीं। और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं। हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और निकल जा। ये निकला ब्यूटीफुल हरा सा ट्रेन भाई। ये जाएगा लाहौर और ये शायद आज का हमारा थंबनेल होगा जी। एक थंबनेल वाली पिक ले लेते हैं पहले। हाँ ये सही है। तो चलिए जी आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। हैव अ ग्रेट डे। गुड नाइट अगर आप सोते सोते देख रहे हो तो। और फिर मिलते हैं दोस्तों।